पेमोंग एपीएस सर्विस, अगर आप लोगों का पैसा ज़्यादा या फिर कम भी फंसा है तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फंसा हुआ जो पैसा है वो पैसा कभी निकल नहीं सकता है। तो निकालने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि एक केवाईसी कंप्लीट करना होगा, लेकिन केवाईसी कंप्लीट करने का तरीका बहुत यूनिक है। इस वीडियो में आप लोगों को यूनिक तरीके से बताएंगे कि कैसे आप लोगों को केवाईसी करना होगा, क्योंकि कंपनी जो एप्लीकेशन से नहीं रखी है ना, वेबसाइट से रखी है, लेकिन आप लोगों को चुपके से मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यू केवाईसी प्रोसेस से आप लोगों को कंप्लीट करना है, तभी ये पैसा आप लोगों को, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मूव टू बैंक कर सकते हैं, या फिर इसको कुछ भी कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, तो चलिए डीएमटी भी कर सकते हैं। यहां से आप लोगों को चले जाना है, देन कंपनी से जो हम बात किए वो आप लोगों को एक बार हम दिखा देते हैं। यहां पे जैसे हम यहां पे आएंगे, देखिए सबसे पहले कंपनी के बाद हम लिखे हेलो सर, देखिए यहाँ पे लिखा हेलो सर, उसके बाद उसने एक मैसेज हमको इंग्लिश में टाइप करके दिया। उसका देने के बाद देखिए यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट भी भेजा था, वॉलेट इनएक्टिव है सर मेरा पेमोंग में, तो यहाँ पे लिखा ये सब डिटेल्स मेल करना है, आपके वॉलेट में अमाउंट है कहाँ सर, तो उसने बताया कि आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लिए हैं। देखिए प्रिय महोदय, अच्छी खबर, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि टू बैंक तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। मौजूदा बाजार धोखाधड़ी और अन्य चुनौतियों को देखते हुए कंपनी ने दोबारा केवाईसी करने का फैसला किया है। कृपया हमने पंजीकृत ईमेल आईडी के समर्थन ईमेल आईडी इतना है इतना पर आंतरिक और भौतिक सत्यापन के लिए अपने पुनः केवाईसी दस्तावेज साझा करें। तो क्या क्या दस्तावेज इसमें लगेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर मोबाइल नंबर जो होता है वो, और यहाँ पे देखिए छुपा हुआ आधार कार्ड, पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाइल नहीं देना है आप लोगों को, लेकिन छुपा हुआ आधार कार्ड यानी कि आप नंबर को आप एक बार उसको हाइड कर दीजिएगा, उसके बाद जैसे मोबाइल से एडिट होता है उसको हाइड कर दीजिएगा नंबर, उसके बाद आप कंपनी के पास सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पे पैन कार्ड भी आप लोगों को देना है। यहाँ पे लिखा है वीडियो केवाईसी, नमूना वीडियो का लिंक यहाँ पे है, ये जो पूरा डिटेल्स है इसका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग एक बार इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, कैसे आपको वीडियो बनाना है वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद दुकान के साथ सेल्फी, साइन के साथ पूर्ण दृश्य दुकान फोटो, यहाँ पे देखिए उसका पिन कोड, जिला और राज्य के नाम के साथ दुकान का पूरा पता और दुकान और उसके आसपास का वीडियो आप लोगों को देना है। सड़क दिखाने वाली दुकान और आसपास का वीडियो, नमूना वीडियो यहाँ पे है, इस लिंक से आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप स्थान, आकांक्षा लंबा वर्तमान स्थान यानी कि व्हाट्सएप से आप लोगों को अपना लोकेशन लाइव भेजना है। उसके बाद हमारी टीम आंतरिक रूप से विवरण का सत्यापन करेगी और तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन करेगा, इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन का कार्य दिवस लग सकते हैं, तब तक कृपया हमारा साथ दें। महत्वपूर्ण नोट, ईमेल का विषय केवाईसी डॉक्यूमेंट, रिटेलर नाम, रिटेल और पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसा होना चाहिए, यानी कि आप लोग यह जितना डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है सभी डॉक्यूमेंट को मेल करना है, लेकिन मेल कौन सा करना है, आप जो आप लोग एप्लीकेशन जो लिए होंगे, पेमोंग आईडी जो लिए हैं उसमें कौन सा रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए हैं और कौन सा आप ईमेल आईडी दिए हैं, वही ईमेल आईडी से आपको कंपनी के पास मेल करना है। मेल करने के बाद 7 से 10 दिन में आपका है क्या, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद आप पैसा आराम से उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर मूव टू बैंक कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।